गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करते हैं 11.2। ओके, ये क्या है बेटा? ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो फ्रैक्शन बेस्ड है। कौन सी बेस्ड एक्सरसाइज है? फ्रैक्शन बेस्ड एक्सरसाइज है। जैसे कि हम जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है बच्चा। फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा कि कोई भी जो नंबर होता है, यानी फ्रैक्शन का अगर हम बात करें, जो भी नंबर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। पी अपॉन क्यू का मतलब हो बच्चा कोई भी चीज, जैसे 3/5 कहो तो ये क्या है? एक दूसरे का फ्रैक्शन में ये वैल्यू कैसे है? फ्रैक्शन में वैल्यू, ठीक है। जैसे कि 9/ क्या कहो, 2 कहो, ये क्या है? एक फ्रैक्शन में। कोई भी अपॉन में वैल्यू होती है वो क्या कहते हैं? फ्रैक्शन में। और सबसे बड़ी बात, जो क्यू होता है ना, वो क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि क्यू यानी कि जो नीचे वाली यानी कि डिनोमिनेटर जो वैल्यू होती है वो कभी भी 0 के 0 नहीं हो सकती है। हमेशा रिमेम्बर रखना, यानी हमेशा याद रखना, जो 2 यानी कि जो नीचे वाली डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर नीचे वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनेट हो जाती है वैल्यू। क्या हो जाती है? इन्फिनेट हो जाती है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे? कभी भी इसको हम 0 नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें बच्चों, तो 1 क्या बोल रहा है? ये राइट द नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ बच्चे, जैसे ये लिखा है ना, 1/3 लिखा है। अगर हम ऊपर नीचे यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो 1 × 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 × 3 क्या होता है? 3। यानी कि ये तो सेम एज इट इज नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 1 से डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन ना करके हम उससे नेक्स्ट उससे करेंगे डिजिट से, ठीक है। तो 1 के बाद क्या डिजिट आती है बच्चों? 2 डिजिट आती है। ओके, तो 2 के जैसे कि हमने क्या किया, 1/2 है ये, 1/3 लिखा है यहाँ पे, तो 1/3 के क्या करेंगे? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा? ये 2 × 2, और ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6। देखो यही नंबर आया, यानी कि इक्विवेलेंट करना है। अगर हम इसको काटें तो यही हमें 3/1/3 ही मिल रहा था। इसको मैं काटती हूँ, 2 × 2, 2 × 3 = 6। देखो 1/3 आ रहा है ना, जो हमारा आंसर है यही तो आ रहा है। तो बस हमें यही देखना है कि जो हम जिस भी डिजिट से हम मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड कर रहे हैं, जब इसको हम काटेंगे तो हमें वही डिजिट चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है। अगर हमारी वही डिजिट नहीं आ रही, इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। फिर से हम दूसरा, यानी कि 2/6 सेकेंड फ्रैक्शन हो गया, 3/9 देखते हैं कैसे किया। 1/3 को हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 3 × 1 = 3, और ये कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9। देखो ये 3 × 1 = 3/9 आ गया। इसको फिर से काट के देखो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। देखो 1/3 यही डिजिट आ रही है ना, यानी कि ये सही है, यानी कि ये क्या है? एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? नेक्स्ट करते जाएंगे। तो नेक्स्ट में जैसे कि हमने क्या किया, 3/1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 से नीचे डिवाइड किया, कितना हो जाएगा? 4 × 4, और ये कितना है? 4 × 3 = 12। इसको काट के देखो, 4 × 4, 4 × 3 = 12। सेम यही डिजिट आ रही है। इसका मतलब हमें बस ऐसे करके, इनकी पहले स्टार्ट कर 2, 3, 4, 5 ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाना है, और नेक्स्ट नेक्स्ट डिजिट निकालते हुए जाना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितना हमने किससे कर दिया? 4 से आप किससे करेंगे? 1/3 को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा ये? 5 × 5 एंड 5 × 3 = 15, ठीक है। फिर करेंगे हम किससे? 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 6 × 6 एंड 3 × 6 = 18, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3 आप आराम से कर पाओगे, यानी कि पहले 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, ऐसे आप आगे आगे करते जाना, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आपके ये इक्विवेलेंट निकल जाएंगे। ओके बच्चों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक बार, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये मैं डी वाला बता दूं तो आपको थोड़ा लगेगा, ये क्या है? 5/10 है। 5 ये क्या है? 5/10 है। तो 5/10 को मैं क्या करूंगी? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से डिवाइड किया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा? 20, ठीक है। यही देखो 10/20 आ रहा है। ऐसे इसको क्या करें? 3 से किया। अब आप क्या करोगे आगे? 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या करेंगे हम? 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 और 3 से तो इससे मल्टीप्लाई कर ही रखा है, तो हम किससे करेंगे? 3 से, किससे करेंगे? 4 से। तो 5/10 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4, और डिवाइड 4 से करते, कितना हो जाएगा ये? 20। 5 × 4 = 20, कितना हो जाएगा ये? 40। ऐसे आप क्या करोगे? 5/4 को ही, 5/4 नहीं, 5/10 को क्या करोगे?
फाइव अपॉन टेन को किससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे फाइव से मल्टीप्लाई करो, तो डिवाइड कर दो, फाइव फाइव 25 हो जाएगा और फाइव 10 जा 50 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन वन के आप कंप्लीट कर लोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है बच्चा, इसमें ये बोल रहा है कि राइट फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी हमें फाइव इक्विवेलेंट पांच, जैसे हमें इसने क्या क्या बॉक्स दे रखे हैं, यहाँ पर भी हमें सेम इक्विवेलेंट यानी कि फाइव इक्विवेलेंट। मैंने कहा थ्री अपॉन फाइव को किससे मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा थ्री टू जै सिक्स, कितना हो जाएगा फाइव टू जै टेन, इनकी इक्विवेलेंट। यही आप ऐसे ही टू से मल्टीप्लाई करना, फिर थ्री से, फिर फोर से, फिर फाइव से, ऐसे ही आपके क्या जाएंगे, आपके फाइव इक्विवेलेंट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो थ्री है ना बच्चा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली, क्यों, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे एक वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने ये क्या है वन अपॉन, इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, इनकी जो बॉक्स से रखा है ना बच्चा, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इसके लिए मैं पेज क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे, मैंने कहा कोई भी नंबर, हमने कहा थ्री, पहले तो ये पता है ना आपको बच्चों, ये थ्री अपॉन जो फाइव है, इसमें से न्यूमरेटर जल्दी से बताओ कौन है, न्यूमरेटर क्या है, ये थ्री है, डिनोमिनेटर क्या है, ये फाइव है। इसको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब होता है कोई भी जो वैल्यू ऊपर है, डिनोमिनेटर का मतलब कोई भी वैल्यू जो नीचे है, ठीक है। तो ये तो होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात। अगर हम बात में अभी क्या कर रहे हैं, हम एक जो हमें फाइंड जो मिसिंग नंबर फाइंड करना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कैसे करते हैं। मैंने कहा थ्री अपॉन फाइव, क्या था हम, थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लो ये बॉक्स है और यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू ले ली, फोर ले ली, फोर जो भी आपका मन करे, अगर ये फोर कटेगा ना, मैं क्या कर लेती हूँ एक कटने वाली कोई वैल्यू लेती हूँ, जैसे कि मैं क्या ले लूँ ट्वेंटी ले लेती हूँ, ठीक है, 20 ले लेती हूँ। अब ये क्या है देखो, हम जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बॉक्स की, जो आप इस बॉक्स को मान लो कि एक्स की वैल्यू क्या है, ये बॉक्स में जो है ये एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। मैंने माना कि यहाँ पे एक्स रखा है, ठीक है, क्या है ये एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फाइव इंटू एक्स, तो फाइव इंटू एक्स क्या हो जाएगा फाइव एक्स हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी इंटू थ्री हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी इंटू थ्री हो जाएगा ये यहाँ पे। अब इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू बच्चा, इस एक्स की वैल्यू को हमें एक्स चाहिए, बट ये फाइव क्या एक्स्ट्रा है, फाइव एक्स्ट्रा है, और दोनों बेटा ये क्या है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है। जब वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में होती है तो हमेशा जो जो हमारा नंबर होता है वो क्या करता है, इस नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। अगर ये फाइव प्लस एक्स होता तो ये जो नंबर है ना ये उधर जाके माइनस होता या फिर प्लस हो जाता, बट जब भी डिजिट क्या हो मल्टी, जब भी डिजिट मल्टीप्लाई में होती है तो क्या करते हैं हम उसको, उसको हमेशा सामने वाले डिजिट के सामने उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर ट्वेंटी इंटू थ्री, ये जो फाइव है ये डिवाइड करेगा यहाँ पर आके, ठीक है। फाइव इसको सॉल्व करते हैं, फाइव फोर जा ट्वेंटी हो गया, फाइव से हमें डिवाइड किया, इसको फाइव बन जाए फाइव, ऐसे काटते हैं, फाइव बन जाए फाइव, फाइव फोर फाइव, फाइव फोर जाए ट्वेंटी, कितने बार गया फोर टाइम्स। अब यहाँ पे बचा क्या, फोर इंटू थ्री बचा, कितना बचा यहाँ पे फोर इंटू थ्री, मैं ऊपर रफ कर रही हूँ, यहाँ पर देखो एक बार कितना बचा यहाँ पर फोर इंटू थ्री बचा, तो फोर इंटू थ्री बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर इंटू थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स चल ही रहा है तो फोर इंटू थ्री क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेल्व। यानी कि जो हमने बॉक्स लिया था ना, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था क्या था, जो भी हमारा क्वेश्चन था, जैसे थ्री अपॉन फोर क्वेश्चन था इज इक्वल टू, यहाँ बॉक्स जो था अपॉन ट्वेंटी, यानी कि ये थ्री अपॉन फाइव था, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है कितनी आई है ट्वेल्व, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा ट्वेल्व, आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करती हूँ नेक्स्ट की, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है आपका बच्चा ये, हाँ अगर हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर मैं बता दे, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है ये, ई वाला क्वेश्चन जो है, ई वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्या लिखा है, नाइन अपॉन इलेवन, मैं लिख लेती हूँ नाइन अपॉन इलेवन, देखो नाइन अपॉन इलेवन इज इक्वल्स टू, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, नाइन अपॉन इलेवन के बाद ट्वेंटी सेवन अपॉन बॉक्स है, ठीक है। तो ट्वेंटी सेवन अपॉन बॉक्स, बॉक्स को हम क्या मान लेंगे बच्चों, बॉक्स की वैल्यू हमने मान ली एक्स है, ठीक
क्या है ये x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन हम इससे करेंगे, तो ये 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 9 इंटू एक्स हो जाता है 9x, ठीक है। 9 इंटू एक्स क्या हो जाता है बच्चों, 9x हो जाएगा ये, है ना। और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 11 इंटू 27, तो 11 इंटू 27 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 27। और ये देखो मैंने क्या बताया था, ये नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में, जब नंबर मल्टीप्लीकेशन होता है तो सामने वाले डिजिट को क्या करते हैं, जाके डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड किया आपको, देखो 9 की टेबल में 11 तो आता नहीं है बट 27 तो आता है, तो कितनी बार आता है, 3 टाइम्स, 9 1 जै 9, 9 3 जै 27, ठीक है। अभी कितना हो गया, 11 इंटू 3, एक्स की वैल्यू क्या बची यहाँ पे, 11 इंटू 3, और 11 इंटू 3 कितना होता है, 33। तो यानी कि जो एक्स की, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई है ना बेटा, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है कितनी, 33, ठीक है। तो यानी कि अब हम सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यानी कि फोर्थ में भी सेम यही करना है, किसमें भी, इसमें भी फाइंड द मिसिंग नंबर। ये भी मिसिंग नंबर आराम से निकाल पाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है बेटो, बच्चों चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट न्यूमरेटर। देखो क्या देखें, न्यूमरेटर दे रखा है 72, तो न्यूमरेटर को 72 रखो, और यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें से कोई भी वैल्यू आप ले लो। जैसे मान लो मैं ये जी वाला ले लेती हूँ, क्या है ये जी की वैल्यू 18/27, क्या दे रखी है ये 18/27, 18/27 इससे हमें गिवन है, बट इसने ये क्या बोला है, न्यूमरेटर, इसने यहाँ पे ये भी तो बोला है ना कि जो न्यूमरेटर है बेटा वो कितना है, 72 है यहाँ पे, है ना। तो न्यूमरेटर को हम रखेंगे, न्यूमरेटर कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो न्यूमरेटर को मैंने मान लिया कितना है ये 27 कितना 72 है ना ये, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा फिर से, 72 है, यस 72 को रखेंगे हम कहाँ पे, न्यूमरेटर की जगह, तो 72, और यहाँ पे क्या है, बॉक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला कि न्यूमरेटर 72 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर हमारे पास है ही, तो डिनोमिनेटर को हम मानेंगे x मानेंगे, बस इसको आपने यही करना है और देखना है कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो 18 इंटू एक्स करेंगे, 27 टू 72 करेंगे, तो 18x हो गया इज इक्वल टू 27 इंटू 72 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 27 इंटू 72 अपॉन 18, क्या 27 18 के टेबल में आता है, नहीं आता, बट 18 के टेबल में 72 आता है, कितनी बार आता है बेटो, बच्चों 18 के टेबल में 4 टाइम्स आता है 72, 18 4 जा 72 हो गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिला, 27 इंटू 4, है ना। तो इसको सॉल्व करो मल्टीप्लीकेशन करके, 4 7 जै कितना हो गया 28 की 2 कैरी जाएगी, 4 2 जै 8 और 2 10 हो गया, यानी कि 108 की, ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू x की वैल्यू आ गई 108 आ गई, ठीक है। अब देखो 108 आ गई है ना, अब इसको आप चाहो तो ऐसे, मैं इसको रफ कर रही हूँ, मुझे एक मिनट रुको मैं यहाँ समझाती हूँ आपको इसको इक्विवेलेंट कैसे करना है। ये 108 आ गया है, वेट, ये कितना 18 अपॉन 27, और ये 72 अपॉन, ये कितनी वैल्यू आई है इसकी, 110, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 108 रख दी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको हम इसको काट के देखते हैं, तो कितना 9 के टेबल में 9 2 जा 18 होता है, 9 3 जा 27 होता है, ये डिवाइड, मतलब ये हमने एक ही टेबल से, इनकी जो भी हम करते हैं हमेशा ऊपर भी एक सेम टेबल से काटना होता है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो कितना आया, 2 अपॉन 3 आया, ये किसी से कट रहा है कि छोटी से, हम पहले काट के देखते हैं, 4 से काट के देखते हैं कितनी बार जाएंगे बच्चों, ये 4 1 जा, देखो 72 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 18 हो गया, कितना हो गया, नहीं 4 1 जा 4, 4 कितना हो गया यहाँ पे, 3 बजा ना, तो 4 8 जा 32 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और कितनी 20, यहाँ पर 2 बचेगा तो 2 आगे हो जाएगा, फिर ये 27, 2 बचा था 20, यानी कि 4 7 जा 28 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको नहीं रफ करते, वेट बच्चों इसको एक मिनट रुको, हमने क्या किया था, इसको रफ करके देखा था ना, इसको मत काटो क्योंकि हमें इक्विवेलेंट ही सॉल्व करना है ना। तो देखो यहाँ पे 18, अब हमारा जो आंसर आया वो कितना है, 18 अपॉन 27, इसका मतलब 18 अपॉन 27 हमारा ये जो था ये किसके इक्विवेलेंट हो गया,
यहाँ पे भी देखो ये हमने काट के कितना 18/20 यानी कि एक दूसरे की क्या है ये इक्वल है कि नहीं इक्वल। बस हमें ऐसे ही सॉल्व करने के सारे क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है कि नहीं। अगर यहाँ पे मान लो 18 की जगह क्या होता 36 होता, क्या ये 18 के बराबर होता? नहीं होता। तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंट नहीं होता ऐसे करके, बट ये क्या है इक्विवेलेंट है तो इज इक्वल टू का साइन आएगा। ओके ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना बेटा बच्चों सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या करना डिनोमिनेटर रखना है 96। जैसे कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा जैसे मान लो 3/4 दिया है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 96 है तो डिनोमिनेटर 96 करके नीचे यहाँ रखना है 96, इसको बनाना है बॉक्स। तो आप आराम से कर पाओगे बच्चों, ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके बच्चों चलो बच्चों बाय बाय टेक केयर।